हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सबसे पहले इस प्रश्न पत्र पर निर्देश दिया गया प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए, 6 से 15 तक अति लघु उत्तरी, 16 से 19 तक लघु उत्तरी और 20 से 23 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसका पहला प्रश्न है यहाँ पर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई, पूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय, उपरोक्त सभी। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? व्यक्तिगत इकाई। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या? उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसा हो, उपरोक्त सभी। तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएँ क्या है? उपरोक्त सभी। उसके बाद बात करते हैं आपका तीसरा प्रश्न, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, उपरोक्त सभी। तो उत्तर आ जाएगा इसका, शून्य होती है। औसत लागत वक्र का आकार होता है यू अक्षर जैसे एक्स अक्ष की समानांतर रेखा, जेड अक्षर जैसे वाई अक्ष की समानांतर रेखा। उत्तर आएगा यू अक्षर जैसा होता है। उसके बाद बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर कोई फर्म संतुलन में है इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा आपका एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, एम आर लेस देन एम सी, एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपका उत्तर होगा एम आर इक्वल टू एम सी। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग द्वारा, पूर्ति द्वारा, मांग एवं पूर्ति सरकार द्वारा। तो इसका उत्तर आएगा मांग एवं पूर्ति। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी पूर्णता लोचदार, पूर्णता बेलोदार, लोचदार या कोई नहीं। तो ये आ जाएगा आपका पूर्णता बेलोचदार। उसके बाद आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली स्थान भरना है। सभी क्रियाएं जो आप सृजित करती है डैश क्रियाएँ कहलाती, इसको आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के डैश होते हैं, पूरा कहा जाएगा। आय बढ़ने पर उपभोक्ता डैश वस्तुओं की मांग घटा देता है, निम्न स्तरीय। कुल परिवर्तनशील लागत बराबर होता है कुल लागत माइनस क्या होता है आपका स्थिर लागत। पूर्ण प्रतियोगिता एक डैश स्थिति है, काल्पनिक स्थिति है। दीर्घकालीन कीमत को डैश कीमत कहा जाता है, सामान्य कीमत कहा जाता है। इस तरह से आपके 6 खाली स्थान के उत्तर हो गए। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। भारत ने कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई है? इसका उत्तर आ जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। उत्पादन के 4 साधनों के नाम बताना है, तो भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, संगठन हो गया, एक इकाई। लाभ अधिकतम करने का शर्त क्या? उत्पादन कम से कम और मूल्य क्या हो इसका? अधिकतम हो। इस तरह से इसका उत्तर रहेगा। बात करते हैं आपका छठवां प्रश्न, इस तरह से आप उत्तर पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अति अल्पकालीन मूल्य को क्या कहते हैं? तो बाजार मूल्य कहते हैं, इसको मार्केट प्राइस कहते हैं। इस तरह से आपका उत्तर रहा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जैसे ही आप लोगों के लिए पेपर मिलता है तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, या तो इस चैनल के नेम से, परमेश्वरी कोचिंग के नेम से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। सही जोड़ी यहाँ पर बनाना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या जाएगा आपका? कीमत होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कीमत प्राइस आएगा। सीमांत उपयोगिता आएगा आपका मार्केट यूटिलिटी। उसके बाद है मांग का नियम आपका आ जाएगा, कीमत तथा मांग में संबंध। दीर्घकाल होता है आपका अल्पकाल से संबंधित होता है।
कुल विक्रेताओं का क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर टीपी होगा, साम्य कीमत आ जाएगा आपका, मांग और पूर्ति हो जाएगा। इस तरह से आपका सही जोड़ी का उत्तर रहेगा, इसको आप लोग मिलान कर लेंगे। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न क्रमांक 5वां, सत्य और असत्य यहाँ पर पहचान करना है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो समग्र संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। पूंजीवादी वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, तो ये क्या जाएगा आपका, सत्य होगा। बात करते हैं आपका तीसरा, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, सत्य आएगा। सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक भी होता है। प्रीमियम स्थिर लागत है, सत्य आएगा। औसत लागत वक्र का आकार यू अक्षर जैसा होता है, सत्य आएगा। पूर्ति का संकुचन बताता है कि अधिक कीमत पर कम पूर्ति, तो ये सत्य आएगा। मजदूरी श्रम पूर्ति के बीच विपरीत संबंध होता है, तो यह असत्य होगा। इस तरह से आपका उत्तर रहा। ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अगले भाग पर आपको प्रश्नों के उत्तर कराया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।